सच। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य जय हे जय हे जय 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 हे। आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज जबलपुर शहर की जनता के कारण आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर उपस्थित प्रेस के साथियों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने पहले भी बहुत अच्छे तरीके से इस शहर को आगे बढ़ाया है, आगे भी उम्मीद है कि आप इस शहर को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। जबलपुर शहर, पहले भी हम लोगों ने इस बात के लिए कहा कि बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है, सौंदर्यीकरण तो और आगे का विषय है। आज हमारे जो पार्षद साथियों ने यहाँ पर शपथ ली है, उन सबको खूब खूब बधाई देने के साथ, उन सब के साथ मिलकर आपको यह आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जबलपुर शहर की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको तो दूर करेंगे ही करेंगे। साथ में आने वाले 5 वर्ष के अंदर जबलपुर शहर को माननीय कमलनाथ जी और सभी विधायकों के आशीर्वाद से हम लोग सब मिलकर, जबलपुर शहर की जनता मिलकर, बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर, सबके साथ मिलकर एक नए बहुत खूबसूरत जबलपुर शहर का निर्माण 5 वर्ष के अंदर अवश्य करेंगे। बहुत सारी बातें चुनाव के पहले और उसके दरमियान में हुई हैं, आगे भी होंगी। अभी तो सबसे पहले नगर निगम जाना है, कार्यभार संभालना है। आदरणीय चाचा चंद्र कुमार भनोट जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप सभी को, वरिष्ठ कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पर बैठे, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य शपथ अलग ले रहे हैं, उनके साथ भी मिलकर शहर के लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा, हम लोग अपना सर्वस्व निछावर करके शहर को सब कुछ अपना लगाएंगे और इस शहर को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय सम्मानित हमारे धर्म गुरु जन, हमारे विधायक लखन भाई, तरुण भाई, यहाँ उपस्थित मेरे साथ मंच में बैठे हुए सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, मैं सब नव निर्वाचित पार्षदों को बधाई देना चाहता हूँ। शुरू में आज उनका सौभाग्य है कि उनको हमारे धर्म गुरु जो उपस्थित हैं उन सब का आशीर्वाद मिला। भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। हम मिलिट्री शक्ति नहीं है, हम आर्थिक शक्ति नहीं है, पर भारत जैसी आध्यात्मिक शक्ति किसी और देश के पास नहीं है। ये भारत की पहचान है। भारत की पहचान उसकी संस्कृति है, जो संस्कृति जोड़ने की है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। हर समाज के आज पार्षद जीत के आए हैं, हर धर्म के पार्षद जीत के आए हैं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी विभिन्नता हो, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी अनेकता हो, ऐसा कोई देश है जहां इतने धर्म हो, ऐसा कोई देश है जहां इतनी जातियां हो, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो। ये भारत है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतने त्योहार हो। ये अपना देश है और अपने देश, ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हो, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। यही भारत की संस्कृति की पहचान है। और मैं तो सबसे कहूंगा ये संस्कृति की हम रक्षा करें, ये संस्कृति की हम रक्षा करें, ये भारत का भविष्य है। ये नौजवान बैठे हैं, इनको आप कैसा भारत सौंपना चाहते हैं? उस संस्कृति का भारत, उन सामाजिक मूल्यों का भारत, हमारे धार्मिक मूल्यों का भारत, वैसा ही भारत हमें आज आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना। ये सब पार्षदों को, हमारे मेयर को, अनु भाई को मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका दायित्व है
कि ये नई पीढ़ी को आप उन सामाजिक मूल्यों से जुड़े रखिए, हमारे संस्कृति से जुड़े रखिए। सिर्फ सच।